नहीं, पूरा देश जानता है कि गोदी मीडिया कौन है। अरे देश जिद में काम करा होता तो उन पे ठप्पा काहे लगा होता कि वो गोदी मीडिया है। जो गोदी मीडिया है वो सरकार की, वो गोदी है, गोद में ले रखी है सरकार ने। देश में डेमोक्रेसी कैसे बचेगा? तभी तो बचेगा जब इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वतंत्र होगा। जब तक ये सड़कें सूनी हो जाएंगी ना तो देश की संसद आवारा हो जाएगी। यदि उसको सही रखना है तो इस देश की जो सड़कों पर जनता का उतरना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी देखिए देश में डेमोक्रेसी कैसे बचेगा? तभी तो बचेगा जब इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वतंत्र होगा। और उसकी स्वतंत्रता के लिए तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। वो स्वतंत्र है पे सवाल उठा करके कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे आवाज सवाल उठा। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। जब तक ये सड़कें आवारा हो, ये सड़कें सूनी हो जाएंगी ना तो देश की संसद आवारा हो जाएगी। यदि उसको सही रखना है तो इस देश की जो सड़कों पर जनता का उतरना बहुत जरूरी है। ये वही तो हो रहा है। तो बड़े बड़े पार्टियां कहाँ आ रही है? वो तो कह रही है जनता के द्वारा जो हमें मत दिया हम उससे खुश हैं। वो भी आएंगे, सब आएंगे। इससे सब पीड़ित है, पूरा देश पीड़ित है। गरीब भी पीड़ित है, पैसे वाला भी पीड़ित है, इसमें कर्मचारी भी पीड़ित है, सब लोग पीड़ित है। और सब आएंगे, धीरे धीरे सब आएंगे। तो कर्मचारियों को ईवीएम से क्या दिक्कत है? देखिए, जब कर्मचारियों को ईवीएम से सबसे ज्यादा दिक्कत है, उनकी नौकरी तो खतरे में। निजीकरण हो रहा है, ये निजीकरण कर कौन रहा है? ये गवर्नमेंट कर रही है। फिर तो कहाँ किसको दे रही है? अपने दोस्तों को दे रही है। तो कर्मचारी हो गया ना बेकार, रोजगार तो उसका खत्म हो गया ना कर्मचारी का। तो क्या ईवीएम से प्रभाव नहीं पड़ रहा कर्मचारी पे? पड़ रहा है भाई, पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, पूरे देश में प्रभाव पड़ रहा है। कोई ऐसा एंगल नहीं बचा हुआ। क्या आज आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कितने किलोमीटर की यात्रा होने जा रही है आप? अरे दिल्ली छोटी सी है। हमने तो दिल्ली से लेके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली तक पदयात्रा की 920 किलोमीटर। ये तो जरासी सी दिल्ली है, इसमें कितना किलोमीटर चलना है? ये इधर रहा, ये उधर रहा, बस उसमें फर्क क्या है? इस यात्रा से क्या फर्क पड़ने वाली है सरकार? नहीं, फर्क पड़े ना पड़े ये उसका काम है, हमें अपना काम करना है। हमें सड़कों को सूना नहीं छोड़ना। कितने लोग आपका समर्थन में? मैंने आपसे कहा ना, पूरा देश समर्थन में भाई, पूरा देश समर्थन में। ये नहीं, फर्क पड़ेगा सरकार को। सरकार को यदि जनता बोलेगी, सड़कों पे आएगी तो प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव ही तो पड़ा जब अभी ट्रक यूनियन का हुआ था, ड्राइवर्स का अभी तो हुआ था ना स्ट्राइक, अभी वापस ले लिया ना। इससे पहले किसानों का हुआ था, वापस ले लिया ना। फर्क पड़ा ना सड़कों पे आने से। किसान आंदोलन में 700 किसान को भी शहीद होना पड़ा ना। देखिए अच्छा, ट्रक अभी ट्रक ये जो ड्राइवर्स की हुई है इसमें कितनों का होना पड़ा? अभी देश में चुनाव है ना, कितना होना पड़ा? अभी 24 में चुनाव है ना, इसी के लिए कानून वापस लिया गया है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, तो फर्क तो पड़ेगा ना। तो बोलोगे तभी तो होगा, बोलना तो पड़ेगा। तो क्या लग रहा है ईवीएम के खिलाफ इस देश में बड़े चुनाव, बड़े आंदोलन की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, बहुत जरूरत है। लोगों में तो ऐसा क्रेज नहीं? नहीं आ रहा है, आ रहा है। बार बार आप एक ही प्रश्न कर रहे हैं, नहीं आ रहा है। अब जो बार बार आप ना यहाँ दिल्ली में आके जो लोगों की कवरेज कर रहे हैं, ये करेजी तो है। आज गोदी मीडिया कहाँ है? आज हमारे छोटे यूट्यूबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। हाँ नहीं, गोदी मीडिया आप किसको बता रहे हैं? गोदी मीडिया बहुत सारे हैं जिनको बैन कर रखा है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने, आपको जानकारी है। देश हित में काम कर रही है? देश जिद में काम करा होता तो उन पे ठप्पा काहे लगा होता कि वो गोदी मीडिया है? ठप्पा तो ऐसा कोई नहीं। नहीं, पूरा देश जानता है कि गोदी मीडिया कौन है। और ये जो जो यूट्यूब जो चैनल चला रहे हैं वो कितने एक्टिव लोग हैं? मैन हिस्ट्री के मीडिया तो खबरें दिखा रही है तमाम लोगों की। वो तो सब देखो सत्ता को बचाने में लगी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग समझ रहे हैं इस बात को। मीडिया कहाँ सत्ता को बचा रही है? मीडिया को तो मीडिया सत्ता को ही बचाने में काम कर रहा है, लोगों को संदेश पहुंचा रही है। मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो जो संदेश पहुंचा रहे हैं ना, वो जो संदेश वहाँ पहुंचा रहे हैं, जो गोदी मीडिया है, वो सरकार की, वो गोदी है, गोद में ले रखी है सरकार ने। वो तो पैसे वालों की मीडिया है। मीडिया को गोद में ले रखी है सरकार। हाँ।